Hey guys, welcome to another video. और आज का वीडियो बहुत ही रफ होने वाला है क्योंकि सबसे पहले जो लोग बंगाली हो सकल के शुभ सप्तमी और एकटू पर मन हम अष्टमी हो जाए सप्तमी और अष्टमी जयंट शुभ अभिनंदन एवं सकल के बोली दुर्गा पूजा खूब भलोभ काटियो खूब एनजय करो एबार करोनार पर सकले एकदम एंडलेस मस्ती करो ठीक है अभी हिंदी पे चले जाते हैं गाइस ठीक है। तो मैं देख रहा था यूट्यूब पे कोई रैंडम वीडियो मेरे सामने आया ये आदि पुरुष का टीजर 500 करोड़ का मजाक देखा है कभी 500 करोड़ का मजाक देखा है ये टीजर जाके एक बार चेकआउट कर लियो। बिना इतिहास को जाने अगर आप ये सब बनाओ ना तो हगना किसे बोलते हैं इस ट्रेलर को और या फिर इस टीजर को जाके चेकआउट कर लो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओम राउत जी आपने क्या सोच के ये बना दिया है। हनुमान जी जिनको पवन पुत्र महाबली मतलब महावीर महाबली बजरंग बली हनुमान कहा जाता है और साला कास्टिंग डायरेक्टर बैंचुत कौन है मुझे ये जानना है। क्या सोच के आपने मैंने फैन भी नहीं चलाया पसीना पसीना हो रहा हूँ कोई नहीं एडजस्ट कर लो भाई मैंने पहले ही बताया ये वीडियो रफ होने वाला है और मैं अपने घर पे हूँ अभी स्टूडियो पे भी नहीं हूँ ठीक है कोई नहीं। सुनो बजरंग बली महाबली हनुमान के कैरेक्टर पे इसको देखो सैफ अली खान ठीक है ओके है प्रभास इज अ गुड चॉइस ठीक है बहुत अच्छा है प्रभास इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर प्रभु श्री राम कैरेक्टर। लेकिन जो पोर्ट्रियल आप लोगों ने किया है इतिहास पढ़े हो भैंजोत तुमको पता भी है ये मतलब प्रभु श्री राम युद्ध करने के लिए कब जाते हैं रावण से जब वो वनवास में थे वनवास के पीरियड पे खाली उन्होंने अपना धनुष और कुछ बेसिक हथियार लेके गए थे माता सीता को या और लक्ष्मण को अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और धर्म को बचा के रखने के लिए। उनके पास ऐसे 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 अजूबे वाले आर्मर्स कहां से आए भाई। कास्टिंग डायरेक्टर को तो मतलब बाद में किसी वीडियो में देख लेंगे ठीक है भाई। विजुअल इफेक्ट्स अभी आते हैं जो कि मेरा चैप्टर है ठीक है जो कि मेरा काम है। 500 करोड़ इस एनिमेटेड मूवी के लिए टीजर पे मैं देखता हूं मतलब एक सीन में जो देखता हूं जो एक टेंपल के अंदर जो एक वानर एंट्री मारता है वानर का मतलब भी पता है आप लोगों को पता है बंदर से ब और नर इंसान इससे मिला के जो स्पीसीज बनते हैं उनको बोलते थे बानर। उन लोगों के पास इंसान जैसा बोलने का ताकत था इंसान जैसा मतलब वो लोग एनलाइटेंट बींग्स थे उन लोगों के पास अपना खुद का विचारधारा शक्ति बल उन लोगों में और बानर की फूर्ती इन दोनों को मिला के जो स्पीसीज बनते थे उसको बोला जाता था ऐतिहासिक तौर पर वानर। और आप लोगों ने वानर के नाम पे इधर पे लिटरली प्लेनेट ऑफ एप्स के बंदर को दिखा दिए भाई वो अलग चीज है प्लेनेट ऑफ एप्स एक अलग गेम है ठीक है उसका कहानी उसका स्टोरी वो अलग चीज है आपने उधर से इंस्पिरेशन लिया। और एक बात मेरे को बताओ साले रामायण में ड्रैगन कहां से आता है और रावण को लिटरली ड्रैगन के ऊपर दिखा दो ड्रैगन मैं उसको साला पर उसका बिल्ली उससे अच्छा दिखता है मैं मतलब वो ड्रैगन था रावण सैफ अली खान ड्रैगन के ऊपर बैठ के आ रहे हैं और ड्रैगन का हालत देख के तो मतलब मेरा ही हालत खस्ता हो गया भाई। और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि दिल से बुरा लगा है भाई इतिहास को बिना जाने मर्यादा है पुरुषोत्तम राम जिनको कहा जाता है। आप मुझे एक बात बताइए प्रभु श्री राम जब युद्ध करने के लिए रावण से कब जाते हैं पता है जब वो वनवास में थे और वनवास में उनके पास ऐसे आर्मर्स कहां से आए भाई वो तो भगवा चोला पहन के गए थे ना। छोटे छोटे चीजें होते हैं कुछ इतिहास पढ़ना होता है ये सब हिस्टोरिकल बेस्ड महाकाव्य के ऊपर अगर आप कोई मूवी बनाने जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ समझ होने का जरूरत है। आई एम सो सॉरी टू से दैट इस मूवी से बेटर बहुत सारे टीवी सीरियल्स है रामायण के ऊपर मैंने देखा हुआ है कम से कम उनमें फील तो अच्छा रहता है कम से कम उनमें हिस्ट्री को लेकर ज्यादा इतना ज्यादा तो छेड़खानी नहीं किया जाता है ना। अच्छा ठीक है आपने एनिमेटेड कैरेक्टर्स रखे हैं वानर सेना पे आपने एनिमेटेड कैरेक्टर्स रखे हैं राक्षसों के ऊपर जो कि दिखने में बहुत ही कार्टूनिश और फेक लग रहे हैं बिल्कुल भी फोटो रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं। वी डोंट एक्सपेक्ट दिस क्वालिटी विजुअल इफेक्ट्स इन एनी सिल्वर स्क्रीन मूवीज जो कि आप पैन इंडिया पे रिलीज करने वाले हो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मेरे कैमरा का चार्ज खत्म है दुर्गा पूजा होने वाला है मैं घूमने जाऊंगा थोड़ी देर बाद मेरे अंदर का खून खोल के उठा इतिहास बिना जाने अपने संस्कृति को बिना पहचाने अपने संस्कृति के ऊपर अगर किसी आदमी का पकड़ ना हो कोई ना जान के बिना सोच समझ के ये सब बकचोदी करे तो खून खोलता है मेरे दोस्त खून खोलता है। और विजुअल इफेक्ट्स पे आए तो 500 करोड़ में क्या बियर पिए हो सालो या फिर फूके हो कुछ। जिनको पता हो ना रामायण
राम, प्रभु श्री राम, उनको मर्यादा या पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, उनके कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़े हो या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से सुने भी हो तो आप लोगों को पता होगा उनको मर्यादा या पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, उनके आंखों में झलकना चाहिए था, ये सारे चीजें कुछ नहीं है। खैर, मेरा जो चैप्टर है VFX है, मैं VFX के ऊपर बात करूंगा। रद्दी, बेकार, फालतू, ये इस मूवी के ऊपर 500 करोड़ कहाँ खर्च हुए हैं मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं है, फिर भी एक्सपेक्टेशन बनाए रखते हैं, देखते हैं कि मूवी को मतलब थिएटर में देखने में कैसा मजा आता है नहीं। खैर, शुभ दुर्गा पूजा, शुभ शारदीय टू ऑल, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, बने रहिए इस चैनल के साथ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आ सकते, प्रवास फैंस जो है, देखिए प्रवास के ऊपर मेरा कोई हेटरेट नहीं है, मैं खुद प्रवास का बहुत बड़ा फैन हूँ बाहुबली के बाद से, लेकिन ये मूवी खासकर डायरेक्टर को मतलब कड़ा क्रिटिसिज्म देना जरूरी है भाई। खैर, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, देखते हैं अपन इसके ऊपर अपना VFX का क्या टेक ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही रफ एंड टफ था ये वीडियो, कुछ अच्छा खास लाइट सेटअप वेटअप लगा कि नहीं कि अब मैं अपने घर पे हूँ, स्टूडियो पे भी नहीं हूँ, लेकिन मिलेंगे दूसरे वीडियो पे क्वालिटी और अपने इतिहास को बिना बिगाड़े। अब तक के लिए इतना ही, टाटा गाइस।